मैं दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। अब महिलाओं को मुंबई डराने लगी है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मायानगरी, जहां एक तरफ महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती थी, वहीं अब महिलाओं को डराने लगी है। मुंबई व मुंबई के आसपासी महाराष्ट्र में घिनौनी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई में साकी नाका की महिला के साथ की गई हैवानियत हो या पुणे की 14 वर्षीय किशोरी के साथ लगातार 48 घंटों तक 12 दरिंदों द्वारा की गई हैवानियत, मुंबई अब सचमुच डराने लगी है। बात करते हैं हम उन इलाकों की, जहां 9 सितंबर से अब तक केवल 5 दिनों में ऐसी ही न जाने कितनी दरिंदगी का शिकार लगातार महिलाएं हो रही हैं। मुंबई का विलय पार्ले, अंधेरी, साकीनाका, बसई या आज फिर बोईसर में 12 साल के एक किशोर का 5 साल की बच्ची के साथ किया जाने वाला दुष्कर्म, यह हैवानियत सिर्फ और सिर्फ केवल मुंबई में नहीं लगातार महाराष्ट्र के कई जिलों से सामने आ रही है। उल्हासनगर हो या पुणे, अमरावती हो या महाराष्ट्र का खेड़, ये वारदातें हमें यह बताने के लिए काफी हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को किस नजरिए से देखा जाता है और उनकी कितनी इज्जत की जाती है। एक और जहां हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होर्डिंग हर दूसरे चौराहे पर लगी नजर आती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें भोग विलास की वस्तु समझ उन पर अत्याचार किया जाता है। देश की बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन व हमारा पूरा समाज कितना सजग है, ये लगातार होने वाली इन घटनाओं से साफ बयां हो जाता है। आखिर समाज में उपजने वाली इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके के अपराध, इस तरीके की यह घिनौनी वारदातों का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक इस तरीके की वारदातों की शिकार हमारे देश की बेटियां होती रहेंगी? आखिर कब तक हमारी सरकार, हमारा प्रशासन ऐसी वारदातों को रोकने में असमर्थ रहेगा? आखिर कब तक ऐसी वारदातों पर हमारे देश के नेता एक दूसरे पर बस लालचन लगा अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे? हमारे देश को जरूरत है ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की, ऐसा कड़ा कानून कि अपराध को अंजाम देने की सोचने से पहले ही हर अपराधी की रूह कांप जाए और वह ऐसे घिनौने अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे नई खबर के साथ। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।